नमस्ते, मैं समीर धुर्डे आपका आयुका के समर कैंप में स्वागत करता हूँ। आशा है आप सबको इस समर कैंप में मजा आ रहा होगा और काफी एक्टिविटीज करने को मिल रही होगी। हमारे बचपन में एक मजेदार खेल जो हम खेलते थे उसका नाम था लुका छुपी, और आज हम बात करेंगे आसमान में खेले जाने वाली एक ऐसी ही सुंदर लुका छुपी की। लेकिन ये लुका छुपी कोई साधारण लुका छुपी नहीं है। इसके वजह से हमें दिखाई देते हैं कुछ बहुत ही दुर्लभ दृश्य जिनका नाम है ग्रहण। अगर आपको खगोल शास्त्र पसंद है तो आपको पता होगा कि हम इसमें आसमान का अध्ययन करते हैं, उस आकाश का अध्ययन जिसमें हमें ऊपर की तरफ काफी चीजें दिखाई देती हैं। तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देते हैं आसमान के दो तेजस्वी यानी सूर्य और चंद्र। अगर आप दिन में देखें तो आपको बादल भी दिखाई देते हैं, उड़ते हुए पंछी भी दिखाई देते हैं, या फिर कोई उड़ता हुआ प्लेन वगैरह भी दिख जाएगा। ये धरती की चीजें हैं, खगोल शास्त्री इनका अध्ययन नहीं करते, वो दूर की चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा सूर्य या चंद्र, या कभी कभी रात को अगर आपने खिड़की से बाहर देखा और आसमान क्लियर है तो आपको आसमान में तारे भी टिमटिमाते दिखाई देंगे। ये हैं खगोलशास्त्रियों की अध्ययन की चीजें। आज हम जिन दो चीजों के बारे में बात करेंगे वो है सूर्य और चंद्र। आजकल इन्हें देखने के लिए घर से बाहर जाना जरा मुश्किल हो गया है, तो जब एक्टिविटीज की बात हो रही है तो हमने एक एक्टिविटी यहाँ पे आपके साथ शेयर करने का सोचा है। इसमें आप एक आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें एक सूर्य का चित्र बनाइए, एक पृथ्वी का चित्र बनाइए और एक चांद का चित्र बनाइए, जैसे आपको अच्छा लगे। और इसमें आप सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसी कार्डबोर्ड की पट्टी लेकर दोनों तरफ पिन लगा दीजिए। आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे आप अगर यहाँ एक पिन लगाते हैं और पृथ्वी का चित्र यहाँ लगाते हैं तो देखिए आप पृथ्वी को सूरज के चारों ओर घुमा पाएंगे। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो इसमें देखिए आप चांद और पृथ्वी के बीच में भी एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा रहे हैं, और इसकी वजह से अगर यहाँ एक पिन है तो ये चांद इस केंद्र के चारों ओर घूम सकता है। और ध्यान दीजिए ये पूरा सिस्टम जिसमें चांद और पृथ्वी शामिल है, ये पूरा सूर्य के चक्कर लगा सकता है, और यही सच्चाई में भी होता है। अंतरिक्ष में सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी को पकड़े रखता है और पृथ्वी 365 दिनों में उसका एक चक्कर लगाती है। इसके अलावा पृथ्वी चांद को पकड़े रखती है और चांद भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इन सब के घूमने का जो पथ होता है इसे कहते हैं कक्षा या ऑर्बिट। अब यहाँ हमने आपको एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी सुझा दी है जिसमें चांद सूर्य और पृथ्वी शामिल है। इनके आकार लगभग समान बनाए गए हैं क्योंकि हम कोशिश करके भी इनको असली आकार के नहीं बना सकते। अगर खगोलीय तथ्यों को देखें तो पृथ्वी और चांद के आकार की तुलना कुछ ऐसे दिखेगी। पृथ्वी ये चांद से आकार में कुछ चार गुना बड़ी है। आप देख सकते हैं कि अगर हमने चांद का पृष्ठभाग लिया तो ये करीब करीब अफ्रीका के पृष्ठभाग के समान है। हाँ, सच में चांद जो आसमान में इतना बड़ा दिखाई देता है वो काफी छोटा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पृथ्वी और चांद का अंतर कितना है तो हमें काफी आश्चर्य हो सकता है। चंद्र ये पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। 4 लाख किलोमीटर मतलब इसमें हम 30 पृथ्वियां समा सकते हैं। इतनी बड़ी कक्षा की तुलना में देखिए चांद तो नन्ना दिख ही रहा है, पृथ्वी भी छोटी दिखाई दे रही है। अगर हम इससे भी आगे देखें तो हमें पता है कि चंद्र और पृथ्वी ये दोनों सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी कक्षा के अनुसार घूमते हैं। पृथ्वी को अपनी कक्षा का एक चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन के आसपास लगते हैं, और इसके अलावा आपको पता है कि इस दौरान चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। इसे एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम करीब करीब 1 महीना कहते हैं, और इसी दौरान हमें दिखती हैं कुछ
चांद की सुंदर बदलती हुई कलाएं। आपको पता है कि जब चांद सूर्य की तरफ होता है तो पृथ्वी से हमें अमावस्या की स्थिति दिखती है, और धीरे धीरे चांद की कलाएं बदलते हुए जब चांद पृथ्वी की उल्टी तरफ पहुंच जाता है, जिससे वो सूरज की पूरी रोशनी पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर सकता है, तब हमें दिखती है पूर्णिमा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि पिछला डायग्राम काफी सिंपल था। इसमें हमने एक चीज का सोचा ही नहीं था, और वो है कि अगर पृथ्वी और चांद और सूरज एक लाइन में होते हैं, जिसकी वजह से हमें अमावस्या दिखाई देती है, उस दिन से लेकर आगे की अमावस्या तक चांद धीरे धीरे पृथ्वी की ओर घूमता जाता है। पृथ्वी के चारों ओर देखिए ये घूम रहा है, और घूम के जब ये पूरा एक चक्कर लगाकर सेम जगह पर वापस आता है, तब वो सूरज की दिशा में नहीं होता है। सूरज की दिशा थोड़ी सी अलग है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी भी अपनी कक्षा में घूमते हुए एक महीने में यहां तक पहुंच गई है। इस वजह से दिशा थोड़ी बदल गई है, और अगर चांद को सूर्य की दिशा में वापस आना है तो उसे थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा। अगर आपको हमने ये कहा कि चांद को अपनी कक्षा में एक चक्र पूरा करने में कितना वक्त लगता है, तो आप शायद यहां से यहां तक का वक्त बताएंगे, जो एक्चुअली है 27 दिनों का। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि चांद की कलाओं को पूरा बदलने में कितना वक्त लगता है, तो आप देखेंगे कि अमावस्या से पूर्णिमा तक जाकर फिर से अमावस्या होने में करीब करीब 29.5 दिन लग जाते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, और ग्रहणों को समझने में ये जरूरी पड़ेगी। अगर हम वापस खगोलीय तथ्यों की बात करें, तो हम बात कर रहे थे अलग अलग आकारों की तुलनाओं की। हम अभी कोशिश करते हैं कि चांद पृथ्वी और सूर्य के आकार की तुलना की जाए, और देखिए ये कितना मुश्किल है। इस चित्र में अगर हम चांद को एक डॉट के रूप में लेते हैं, तो पृथ्वी का डॉट उससे थोड़ा सा बड़ा दिखता है, और इन दोनों की तुलना में सूर्य ये इतना बड़ा है। देखा जाए तो पृथ्वी के इर्द गिर्द चांद की जो कक्षा है वो पृथ्वी से कुछ 30 गुना बड़ी है, और सूर्य ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तो हम चांद की कक्षा को भी 3 बार से अधिक सूर्य में समा सकते हैं, ये इतना बड़ा है। लेकिन सौभाग्यवश सूर्य हमसे बहुत बहुत दूर है। अब आप ये एनिमेशन देखिए, शायद इससे मैंने जो बताया वो थोड़ा अधिक अच्छे से समझ में आए। आप देख सकते हैं कि अभी हमने इन दोनों के असली आकारों की तुलना की थी, और ये बहुत अलग है। लेकिन अगर हम आकार और अंतर इन दोनों को मिलाकर देखें, तो सूर्य ये चंद्र से 400 गुना बड़ा होने के बावजूद वो हमसे 400 गुना ज्यादा दूर भी है, और इस वजह से चांद हमें आसमान में लगभग सूर्य के समान ही दिखाई देता है। इस टेबल में देखिए हमने उनके आकारों को और अंतरों को लिखा है, और ये एक सिंपल सा डिवीजन है जो आप खुद करके देख सकते हैं। सूर्य के आकार को अगर आप चंद्र के आकार से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 400, और सूर्य के एवरेज अंतर को अगर आप चांद के एवरेज अंतर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा करीब 390। ये आंकड़े लगभग सेम है, और इस वजह से मैंने आपको अभी बताया है कि सूर्य और चंद्र ये आकाश में लगभग एक ही आकार के दिखते हैं। ये आंकड़े तो हमने आपको दे दिए हैं, लेकिन अगर आप खुद परखना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा भी करके देख सकते हैं। कोई भी एक गोलाकार चीज लीजिए, जैसे कि एक कॉइन, और इसे उंगलियों के बीच पकड़कर आगे पीछे इस तरह कीजिए ताकि आप सूर्य को लगभग ढक पाए। आपके आंखों के बीच का और इस कॉइन के बीच का अंतर आप लिख के रख लीजिए। अगली बार जब आपको चांद दिखाई दे तो आप इसी कॉइन से उसको ढकने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी आंखों से सेम अंतर पर यह कॉइन चांद को ढक सकती है, तो इसका मतलब है कि सूर्य और चंद्र ये आकाश में समान आकार के दिखते हैं। और इस वजह से जो शुरुआती
चित्र मैंने आपको दिखाया था जिसमें सूर्य और चंद्र एक ही आकार के दिख रहे थे, वो कुछ ज्यादा गलत नहीं था। और इस चित्र में ये दोनों एक ही जगह पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा होना संभव हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये दोनों आकाश में एक ही जगह पर आ जाते हैं और तब हमें दिखाई देता है ऐसा एक सुंदर दुर्लभ दृश्य जिसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लोग सूर्य ग्रहण का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें बड़ा ही मजा आ रहा है। ये ऐसी दुर्लभ और सुंदर घटना है जिसे हमें जिंदगी में कम से कम एक बार तो देखना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये एक बहुत ही खूबसूरत चित्र है जिसमें स्पेशल फोटोग्राफी की मदद से सूर्य ग्रहण का चित्र लिया गया है और इसमें आप देख सकते हैं पीछे ढका हुआ सूर्य और उसका वातावरण जिसको कोरोना कहते हैं और उसके सामने ही दिखाई दे रहा है चंद्र। इसको कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स या खगरा सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्र ये सूर्य को पूरा ढक सकता है। ये फोटोग्राफ प्रूफ करती है कि सूर्य ग्रहण के वक्त चांद ही सूरज को ढकता है, ऐसा कोई दानव या ड्रैगन आकर सूर्य को निगलता नहीं है। सूर्य ग्रहण ये सिर्फ सुंदर दृश्य ही नहीं होता है, बल्कि इससे हमें सूर्य के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। हमने कई युगों से सूर्य ग्रहणों का अध्ययन किया है और लोगों ने इससे काफी कुछ सीखा है। पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण को डर के नजर से भी देखा जाता था, क्योंकि सूर्य जो हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है वो अचानक अगर ढक जाए तो थोड़ा मन में भय निर्माण हो ही सकता है। लेकिन हमें आज पता है कि सूर्य ग्रहण ये बस चांद की वजह से सूरज के ढकने से होता है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसमें ना तो कोई अलग रश्मियां हमारी तरफ आती हैं, ना कोई रेज हमारी तरफ आती है, ना कोई नई गैस हमारी पृथ्वी में तैयार होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। बस चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और उसकी परछाई पृथ्वी पर आती है। अगर हम इस परछाई के नीचे रहें तो हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण। आपने स्कूल में ये कुछ डायग्राम्स देखे होंगे, तो इसमें दो प्रकार के ग्रहणों के डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। एक और प्रकार का ग्रहण होता है, वो होता है एक्लिप्स ऑफ द मून यानी चंद्र ग्रहण। लेकिन पहले देखते हैं सूर्य ग्रहण को। तो सूर्य यहाँ है और चांद जब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आता है तो उसकी परछाई देखिए पृथ्वी पर इस तरह से गिरती है। सूर्य हमसे बहुत दूर है और इसका प्रकाश सीधा आते हुए चांद के इस हिस्से को प्रकाशित करता है। इसकी उल्टी तरफ अगर हम पृथ्वी पर रहे तो सूर्य हमें दिखना बंद हो जाता है। लेकिन चांद का आकार पृथ्वी से काफी छोटा है और आपने ध्यान दिया होगा कि अगर इसकी परछाई पृथ्वी की तरफ आए तो वो और छोटी होती जाती है। चांद का आकार पृथ्वी से बहुत छोटा है और इस वजह से आपको पता चल सकता है कि अगर इसकी परछाई पृथ्वी पर गिरे तो वो उसके आकार से छोटी होगी। इसलिए जो लोग इस बी पॉइंट पर होंगे वो सूरज को पूरा ढका देख पाएंगे। अगर आप ए या सी इस पॉइंट्स पर होंगे जहां पर उसकी जो गहरी परछाई है जिसको अम्ब्रा कहते हैं वो नहीं गिर रही है, लेकिन आप हैं पेनाम्ब्रा में जो कि थोड़ी सी हल्की परछाई होती है, यहां पर आप सूर्य को थोड़ा सा ही ढका हुआ देख पाएंगे। इसको कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स। और अगर आप बीच में हैं तो आपको दिखाई देगी टोटल सोलर इक्लिप्स। तो ये तो हुआ चांद के वजह से सूरज का ढकना। लेकिन आपने स्कूल में यह भी पढ़ा होगा कि एक और प्रकार की इक्लिप्स या ग्रहण होता है जिसको चांद का ग्रहण कहते हैं। इसमें चांद पर गिरने वाला सूर्य प्रकाश जो है वो पृथ्वी की वजह से ढक जाता है। अब पृथ्वी ये काफी बड़ी है और इसकी छाया भी काफी बड़ी होती है, इस वजह से कभी कभी चंद्र ये पूरी तरह से ढक जाता है और ये जो टोटल एक्लिप्स है वो पूरी पृथ्वी के इस भाग से दिखाई देती है। आप अगर इसमें से कहीं किसी भी जगह पर हो तो आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिल सकता है। अगर चांद बस पृथ्वी की पेनम्ब्रा से गुजरता है तो हमें दिखती है पार्शियल इक्लिप्स, जिसमें चांद का ये भाग जो है वो पूरी तरह से डार्क नहीं हो पाता है और हमें बस थोड़ा सा भाग डार्क दिखता है और थोड़ा सा भाग अभी भी प्रकाशित होता है। एक और बात आपको ध्यान में आ सकती है, वो ये कि सूर्य ग्रहण तभी होते हैं जब
चांद ये सूर्य की दिशा में होता है और इसमें चांद की अमावस्या वाली कला होती है। चंद्र ग्रहण तभी संभव है जब वो पृथ्वी की उल्टी तरफ है जबकि सूरज इस तरफ है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण यह सिर्फ हमें पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा की शाम को दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे डायग्राम तो आपने स्कूल में कई बार देखे होंगे। हमारे कैंप में हम थोड़ी अनोखी जानकारी देने चाहते हैं, अनोखा नजरिया आपको दिखाना चाहते हैं। तो सूर्य ग्रहण में हमारे गेम के तीनों प्लेयर एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी या चांद के पीछे छिपने का प्रयत्न करती है। इनफैक्ट साइंस में इसका एक नाम भी है, अगर तीन चीजें एक लाइन में आ जाए तो उसको कहते हैं CZG। यह रहा एक कार्टून चित्र जिसमें आपको दिखाई दे रहा है सूर्य यहाँ है, चांद बीच में है और पृथ्वी यहाँ है। चांद की परछाई के पीछे पृथ्वी छिप रही है लेकिन थोड़ी सी जगह पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। काफी जगहों पर हमें खंडग्रास या पार्शियल इक्लिप्स दिखाई दे रही है। पृथ्वी के कुछ भाग है जो कि इस तरफ है, यहाँ रात है और यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एक अलग नजरिए से अगर देखें और तथ्यों को इसमें शामिल करें तो हमें दिखाई देता है कि चांद ये पृथ्वी से करीब 4,00,000 किलोमीटर दूर है और चांद की परछाई को इतना लंबा होना पड़ता है ताकि वो पृथ्वी तक पहुंच पाए। देखिए ये कोइंसिडेंस ही है कि ये अंतर सूर्य के अंतर से 400 गुना कम है और इस वजह से चांद की ये गहरी परछाई पृथ्वी तक पहुंच पाती है, लेकिन पृथ्वी पर एक छोटे से ही भाग में ये पहुंच पाती है। इस खेल को अगर हम स्पेस से देखें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा उड़ के ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चांद की परछाई पृथ्वी पर कैसे दिख रही है। ये रहा चांद और यही ये रही उसकी परछाई पृथ्वी पे इस इक्लिप्स के दौरान अमेरिका के ऊपर से गुजरते हुए। देखिए ये पृथ्वी पर एक छोटे से एक एरिया में ही दिखाई दे रही है। ये जो एरिया है ये टोटल सोलर इक्लिप्स का एरिया है और ये जो बड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है पार्शियल इक्लिप्स का। यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा ही ढका हुआ दिखेगा। ये देखिए 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के ऊपर से जाती हुई ये जो परछाई है ये बनाती है एक टोटल सोलर इक्लिप्स। और ये फाइनल दृश्य जो है इसमें आपको पता चलता है कि चांद सूरज की रोशनी को ढककर कैसे पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण का निर्माण करता है। ये एक वैज्ञानिक तरह से पूर्णतः समझी हुई घटना है। हमें यह कई शताब्दियों से पता है कि सूर्य ग्रहण का असली मतलब क्या है और चांद किस तरह सूर्य को ढककर पृथ्वी पर हमें सूर्य ग्रहण दिखाता है। आज के वैज्ञानिक युग में सूर्य ग्रहण से डरने की कोई बात नहीं है और आप देख सकते हैं कि इसमें नया या अलग कुछ भी नहीं होता है। मुझे पता है कि अब आप पूछेंगे कि अमावस्या के दिन अगर सूर्य ग्रहण होता है तो ये हर महीने क्यों नहीं होता, क्योंकि अमावस्या तो हर महीने आती है। इसका भी एक कारण है जो कि हमें पता है। अगर आप पृथ्वी और चंद्र की कक्षाओं के प्रतल को देखें, मतलब इनके ऑर्बिटल प्लेन को देखें, तो आप देखेंगे कि अगर ये हमने सूरज ले लिया है और ये पृथ्वी ले ली है तो सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए एक प्लेन बनाती है, एक प्रतल बनाती है जो कि ऐसा होता है। इसी प्रतल के तुलना में पृथ्वी का अक्ष जो है, एक्सिस जो है, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब देखते हैं चांद के ऑर्बिट को। चांद भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है लेकिन इसका ऑर्बिटल प्लेन जो है वो पृथ्वी और सूरज के ऑर्बिटल प्लेन के समान नहीं है। चंद्र की कक्षा जो है वो अपना एक जो प्रतल बनाती है वो प्रतल पृथ्वी और सूर्य के प्रतल से करीब 5 डिग्री के एंगल पर है। तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी चांद ऊपर हो सकता है इसके प्रतल के और कभी कभी चांद इस प्रतल के नीचे हो सकता है। और ये जो कक्षा है ये धीरे धीरे पृथ्वी के साथ सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। शायद हमने इस सिस्टम के बारे में इतनी गहराई से कभी सोचा ना होगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है कि हर अमावस्या को
क्यों हमें सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता है, तो ऐसी चीजों के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने आपको तथ्य बताया जिसमें ये दो अलग अलग प्लेन थे और वो एक दूसरे से 5 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस वजह से अगर आप देखें तो पूरे साल में कुछ ही ऐसे टाइम होंगे जहां पर एक्लिप्सिस पॉसिबल है, ग्रहण पॉसिबल है। तो आप देखिए, अगर हम कुछ ऐसी जगहों पर देखें जहां पर ये प्रतल पृथ्वी के प्रतल से, ये जो बड़ा प्रतल है इसके प्रतल से ये छोटा प्रतल यानी चांद का प्रतल अगर 5 डिग्री के एंगल पर है, तो साल के किसी एक समय ये चांद पृथ्वी के प्रतल के ऊपर की तरफ रहेगा, जिससे उसकी परछाई पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। उसकी उल्टी तरफ उसी महीने जब हमें पूर्णिमा दिखाई देगी तब पृथ्वी की परछाई चांद को नहीं ढक पाएगी। आपको लगता है 5 डिग्री काफी बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इससे ये इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि आसमान में हमें चांद और सूरज एक ही आकार के दिखते हैं और इनका एंगुलर डायमीटर अगर हम देखें आकाश में तो ये कुछ आधा डिग्री है। तो आधा डिग्री के तुलना में 5 डिग्री ये 10 गुना है। और आप देख सकते हैं कि सूरज से चांद ये अपने व्यास के 10 गुना तक दूर जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोनों प्रतल कभी मिलते ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक लाइन है जहां पर ये दोनों प्रतल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और अगर चांद इस लाइन पर हो तो हमें ग्रहण दिखने की संभावना बहुत होती है। अब देखिए, साल में किसी दूसरे समय पर यहां पर आप देख सकते हैं चांद ये इस लाइन पर आ रहा है और इस वजह से हमें यहां पर एक्लिप्स दिखाई देगी, सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, और चांद जब कुछ दिनों बाद उल्टी तरफ पहुंचेगा तब हमें चंद्र ग्रहण भी दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रतल अपनी जगह बहुत जल्दी नहीं बदलता है। इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा एक सूर्य ग्रहण के बाद एक चंद्र ग्रहण या एक चंद्र ग्रहण के बाद एक सूर्य ग्रहण हमेशा आता है। कभी कभी अगर आप लकी हैं तो करीब एक महीने के काल में हमें 3 eclipses भी दिखाई दे सकती हैं। तो हमें इन चीजों की इतनी जानकारी होते हुए क्या हम पहले से बता सकते हैं कि अगली एक्लिप्स कब होगी? हाँ, ये संभव है, और इसमें ये जो प्रतलों की जानकारी है ये काफी महत्वपूर्ण होती है। चलिए हम इस चित्र को थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था चांद को यहाँ से वापस यहाँ आने में कुछ 27 दिन लगते हैं, लेकिन इस बीच पृथ्वी थोड़ी इधर खिसक गई होती है और इस वजह से चांद को अगर पृथ्वी और सूरज के बीच आना है तो उसे कुछ 29.5 दिन लगेंगे। इस 2.5 दिनों के फर्क के वजह से अगर आज की तारीख में पूर्ण सूर्य ग्रहण आपको दिखाई दे रहा है जिसमें चंद्र ये बिल्कुल सूर्य और पृथ्वी के बीच में था, तो करीब 1 महीने बाद वो उसी स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा, वो सूरज के थोड़े ऊपर या थोड़े नीचे से गुजर जाएगा। तो आपको उस दिन या उसके आगे भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखना मुश्किल है। लेकिन हमें इन सब की मूवमेंट्स की जानकारी अच्छी तरह से है। तो अगर हम एक गणित करें तो ये 2.5 दिनों के जो फर्क है जिसके वजह से चांद सूर्य के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है, इसको मैचअप करने के लिए लगेंगे करीब 18 साल 11 दिन और 8 घंटे। तो इसी लाइन में अगर आपको सूर्य, चंद्र और पृथ्वी को फिर से देखना है और आपको एक टोटल सोलर एक्लिप्स चाहिए तो आपको इतनी अवधि तक राह देखनी पड़ेगी। नोट कीजिएगा कि मैं बस एक प्रकार की एक्लिप्स की बात कर रहा हूँ और सारी एक्लिप्सेस की नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह की एक्लिप्सेस देखें जो हर 18 साल 11 दिन और 8 घंटे में रिपीट होती है तो इनको कहते हैं सारोस श्रृंखलाएं, मतलब सारोस सीरीज। अब इस चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ 2019 से लेकर 2040 तक जो एक्लिप्सेस होने वाली है, टोटल सोलर एक्लिप्सेस, उनके अनुमान। यहाँ पर आपको जो ये लाइंस दिख रही हैं ये है चंद्रमा की जो परछाई है वो पृथ्वी पर से किस तरह गुजरेगी उसका एक चित्रीकरण। आप अगर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि 2000
20 में, दिसंबर में जो ये टोटल सोलर इक्लिप्स होने वाली है, इसका पथ कुछ 2038 में होने वाली इक्लिप्स के पथ से मिलता है। अगर आप देखेंगे 2019 में जो इक्लिप्स हुई थी उसका पथ कुछ 2037 में होने वाले इक्लिप्स के पथ से मिलता है। 2021 की टोटल सोलर इक्लिप्स का पथ कुछ 2039 की सोलर इक्लिप्स के पथ से मेल खाता है। तो ये जो है, ये इक्लिप्सेस हैं एक सिमिलर श्रृंखला में, ये एक सीरीज है जिसे हम कहते हैं सारोस सीरीज, और इसी सीरीज की बात मैं कर रहा था पिछले स्लाइड में। अब ये सीरीज अलग अलग क्यों है और अलग अलग सीरीज की अलग अलग प्रेडिक्शंस कैसे की जाती है, इसकी जानकारी के लिए अगर आपको खगोल शास्त्र में इंटरेस्ट है तो आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं चंद्र ग्रहणों की। ये एक खग्रास चंद्र ग्रहण का चित्र है, और मुझे लगता है कि अगर आप कभी भी ऐसी एक घटना खुद की आंखों से देखेंगे तो ये आपके लिए एक अविस्मरणीय घटना होगी और ये मेमोरी आपके साथ हमेशा रहेगी। इस चित्र में चांद पर आपको एक लाल रंग का आवरण दिखाई दे रहा है। इसका कारण बस इतना है कि चांद इस वक्त पृथ्वी की परछाई से गुजर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि चंद्र ग्रहण ये सिर्फ पूर्णिमा के दिन होते हैं और उस दिन पृथ्वी ये चांद और सूरज के बीच आती है। तो अगर हम इस घटना को वीडियो के स्वरूप में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, चांद धीरे धीरे सरकते हुए जब पूर्णिमा की पोजीशन में पहुंचता है तो पृथ्वी की छाया से गुजरता है और एक लाल छटा उस पर आती हुई दिखती है। फिर से देखें तो देखिए धीरे धीरे यहाँ चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है और पृथ्वी की छाया में ये चांद ऐसी एक लाल छटा पाता है और फिर उसमें से गुजर के दूसरी तरफ निकल जाता है। इस घटना को पूरी तरह से होने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 45 मिनट तक लग सकते हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण बस चंद मिनटों तक चलता है और चंद्र ग्रहण ये आपको घंटे भर से भी ज्यादा दिखाई दे सकता है। कोर्स ये सब निर्भर करता है कि चांद की कक्षा का प्रतल जो है वो किस स्थिति में है। अगर चांद अपनी कक्षा में बिल्कुल पृथ्वी की परछाई के बीच से निकले तो सबसे ज्यादा वक्त उसे लगेगा इससे गुजरने में, और सबसे ज्यादा वक्त तक हमें पूरी परछाई इस पर गिरते हुए दिखेगी और हमें चंद्र ग्रहण दिखेगा। एक और नजरिए से अगर इसे देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये प्रतल जो है चांद की कक्षा का, ये पृथ्वी और सूर्य के प्रतल के साथ यहाँ पर अच्छी तरह से एक ही सीध में आ रहा है। लेकिन कुछ पूर्णिमाओं पे चांद का प्रतल जो है कुछ इस तरह से टिल्टेड होता है और इस वजह से चांद यहाँ पहुंचकर हमें पूर्ण चंद्र दिखाता है लेकिन पृथ्वी की परछाई से नहीं गुजरता है, और इस वजह से हर पूर्णिमा पे हमें चंद्र ग्रहण नहीं दिखता है। अब इस चित्र में हमने अपनी पृथ्वी की परछाई को दिखाया है इस गोल के रूप में। ये है अम्ब्रा जो सबसे गहरी होती है और ये थोड़ी उसकी परछाया यानी पेनम्ब्रा, जिसमें से आपको थोड़ा प्रकाश दिखाई देगा लेकिन चंद्र पूरी तरह से ढकेगा नहीं। तो चंद्र का प्रतल किस तरह से पृथ्वी के प्रतल से एंगल कर रहा है इस पर निर्भर करता है कि चांद कभी यहाँ से गुजर सकता है जब आपको कोई इक्लिप्स दिखाई नहीं देगी, चांद कभी कभी यहाँ से गुजर सकता है जिसकी वजह से आपको पार्शियल या पेनम्ब्रल इक्लिप्स दिखाई देगी, और अगर चांद यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से गुजरे तो आपको टोटल अम्ब्रल और काफी डार्क ऐसा ग्रहण दिखाई देगा। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि आपको पार्शियल इक्लिप्स और नो इक्लिप्स दिखने की ऐसी संभावना होती है। अब ध्यान दीजिए इस सुंदर चित्र पे। यह चित्र लिया गया था जून 15, 2011 को। वैसे तो ये कुछ फोटोग्राफ्स का एक मिश्रण है जिसमें फोटोग्राफर ने अलग अलग वक्त पर चांद के चित्र लिए थे और फिर इसको इन्होंने एक ही चित्र में कंबाइन कर दिया है। आप यहाँ जो लाइन देख सकते हैं ये लाइन है पृथ्वी के प्रतल की और ये है पृथ्वी की छाया की। यहाँ पे दिशाएं भी दिखाई गई हैं। तो चांद कुछ इस तरह से इधर से खिसकते हुए इस तरफ गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे समय भी बताया हुआ है। ये जो बड़े गोल आपको दिखाई दे रहे हैं ये है पृथ्वी की छाया और प्रछाया के। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चांद प्रछाया में अंदर गया
तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई थी। जैसे जैसे वो अम्ब्रा के अंदर गया वैसे उसकी डार्कनेस बढ़ती गई और ये सबसे डार्क था। मैं इस इक्लिप्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि चांद करीब करीब पृथ्वी की छाया के बिल्कुल बीच में से गुजरा था और ये इस रीसेंट टाइम्स की सबसे लंबी इक्लिप्स थी। अब इसी चित्र को अगर हम एक डायग्राम के रूप में देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए डेट आप ध्यान दीजिए, जून 15, 2011 को चांद ये पृथ्वी की छाया और प्रछाया से गुजरा था ऑलमोस्ट बीच में से। इसी के नीचे आप ध्यान देंगे एक पेनम्ब्रल इक्लिप्स को दिखाया गया है जो है 2020 जून 5 की। इसमें आप देखेंगे कि चांद इस तरफ से इस तरफ जा रहा है और ये पृथ्वी की छाया के बिल्कुल पास नहीं जा रहा है, बस उसकी प्रछाया यानी पेनम्ब्रा से गुजर रहा है और इस वजह से चांद पूरा ना ढककर उसका एक थोड़ा सा भाग ही थोड़ा सा ढक पाएगा। अगर एक चित्र के रूप में आपको मैं ये दिखाऊं तो चांद को पृथ्वी की प्रछाया ढकेगी और वो भी पार्शियली। तो 5 जून की जो इक्लिप्स है वो आसमान में कुछ इस तरह दिखेगी। ये पूर्णिमा का चांद बस थोड़ा ही ढक पाएगा और वो भी बहुत ही धुंधला होगा। सिर्फ आंखों से देखकर शायद कोई भी इसको ठीक से भांप नहीं पाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आपको देखना है और एंजॉय करना है तो टोटल एक्लिप्स का टाइम ढूंढिए और उस वक्त जाकर उसको एंजॉय कीजिए। ये घटनाएं बहुत ही दुर्लभ होती हैं और कई बार कुछ अंधविश्वास या रूढ़ियों के वजह से हम इन्हें देखते नहीं हैं और मिस कर जाते हैं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। मुझे तो लगता है सबने इन्हें देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। कहते हैं लाइफ में चांसेस बार बार नहीं आते हैं, लेकिन भारत में कुछ ही महीनों के अंदर 2 बार एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स दिखाई देने वाली है। एन्युलर सोलर इक्लिप्स मतलब कंकणाकृति सूर्य ग्रहण, जिसमें चांद सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है और सूरज की एक छोटी सी रिंग उसके आसपास दिखाई देती है। ऐसी एन्युलर सोलर इक्लिप्स अभी 26 दिसंबर को 2019 में दक्षिण भारत में दिखाई दी थी। आपका अगला चांस इसको देखने का है जून 21 को उत्तर भारत में। ये देखिए एक पुराना चित्र एक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण का। यहां बादल होते हुए भी एक फोटोग्राफर ने जो चित्र लिया था उसको मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आपको कोई चांस मिलता है इसे खुद देखने का तो इसे जरूर देखिएगा। लुका छुपी के इस खेल में आपको पता चल रहा होगा कि चांद पूरी तरह से सूरज को नहीं ढक पा रहा है, लेकिन अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो वो एक पूर्ण सूर्य ग्रहण का निर्माण करता है। तो फिर कंकड़ाकृति ग्रहण क्या चीज है और इसके दिखने का कारण क्या है? इसे समझने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि चांद और सूरज का आकार क्या हमेशा आसमान में फिक्स्ड रहता है, मतलब समान रहता है। ये चित्र आपको बताएगा कि ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी ये सूर्य के चारों ओर घूमती है अपनी कक्षा में, जो कि थोड़ी सी एलिप्टिकल है। इसके वजह से कभी कभी पृथ्वी सूरज के थोड़ी सी करीब आ जाती है और कभी कभी वो थोड़ी ज्यादा दूर चली जाती है। इसमें आपको सूरज के 2 फोटो दिखाई देंगे। एक लिया गया है पेरिहेलियन पर, जबकि पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है, और दूसरा लिया गया है एपिहेलियन पर, जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है। आप देखेंगे कि सूरज की साइज में थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि चांद जब पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हुए अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी से सबसे पास होता है तो वो हमें काफी बड़ा दिखता है इसकी तुलना में, जबकि वो हमसे काफी दूर होता है। चांद की कक्षा थोड़ी ज्यादा एलिप्टिकल होने की वजह से वो ज्यादा करीब और ज्यादा दूर जा सकता है और इसकी वजह से कभी कभी सूर्य की तुलना में उसकी इमेज जो है वो छोटी होती है। और अगर ऐसा छोटा चांद जो कि एपोजी के वक्त हमें दिख रहा हो, अगर एक
पेरिहेलियन के सूर्य के सामने आ जाए तो हमें जरूर दिखाई देती है एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स। एक कंकणाकृति ग्रहण के लिए आवश्यक है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर हो और पृथ्वी सूर्य के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। इसके बीच की कुछ स्थितियों में भी कंकणाकृति ग्रहण दिख सकता है। इन स्थितियों पर निर्भर होगा कि सूरज कितना ढका जाएगा। आप देखिए, अगर चांद की छाया, जो डार्क छाया है, वो पूरी तरह पृथ्वी को नहीं पहुंच पाती है, तब हमें यहाँ पर एन्युलर या कंकणाकृति ग्रहण दिखाई देगा। पृथ्वी इस पॉइंट के जितने पास होगी उतनी ही छोटी रिंग हमें दिखाई देगी। 21 जून का जो ग्रहण होगा उसमें करीब करीब 98% सूर्य ढक जाएगा और एक बड़ी ही पतली सी रिंग हमें चांद के चारों ओर दिखाई देगी सूरज की। तो आशा है जिनको ये संभव है वो कोशिश करेंगे कि कंकणाकृति ग्रहण जरूर देखें और सेफली देखें। वीडियो के अगले भाग में आपको कुछ टिप्स दी जाएंगी जिसमें आप इक्लिप्स को सेफली कैसे देख सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। अगर आपको पता करना है कि ये इक्लिप्स कहाँ कहाँ से दिखेगी तो ये एक वर्ल्ड मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि चांद की छाया अफ्रीका में पहली बार पड़ेगी और उसके बाद खिसकते हुए बड़ी जोर की रफ्तार से अपने देश की तरफ आएगी और उत्तर भारत से यहां से गुजरेगी। ये ऐसे चाइना के ऊपर से जाते हुए ऐसे प्रशांत महासागर में खत्म हो जाएगी। इसको जूम इन करके देखें तो हमारे पास ये मैप रहता है जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो बॉर्डर है उसमें ये इक्लिप्स प्रवेश करेगी पंजाब में और फिर ऐसे हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल से होते हुए यहां से गुजरेगी। अगर आप इस सेंट्रल लाइन के आसपास हैं तो आप इस एन्युलरिटी को, मतलब इस रिंग को, आप करीब 35 से 40 सेकंड तक देख पाएंगे। अगर आप इस लाइन पर नहीं हैं लेकिन इस बैंड के अंदर है तो आपको रिंग दिखेगी लेकिन कम समय के लिए। आप इस बैंड के बाहर होंगे तो आपको सिर्फ पार्शियल इक्लिप्स दिखाई देगी जो कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। वैसे तो संपूर्ण भारत में ये इक्लिप्स दिखाई देगी लेकिन पार्शियल दिखाई देगी और आप इसे अपने घर से भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य को कभी भी विदाउट सोलर इक्लिप्स गॉगल्स या किसी फिल्टर के सिवा नहीं देखना चाहिए। सूरज ग्रहण हो या ना हो, हमेशा आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। सूरज की रोशनी और ताप ऊर्जा ये हमेशा आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है, चाहे ग्रहण हो या ना हो। चांद ने अगर सूरज को 99% भी ढक दिया हो तो भी सूरज की जितनी ऊर्जा हमारी आंखों में पहुंच सकती है वो हमारे रेटिना को डैमेज कर सकती है। सो सूर्य ग्रहण देखिए लेकिन सावधानी से। अगर आप काफी लकी हैं और इस लाइन के आसपास हैं तो देखिए ये मौका छूट ना जाए, क्योंकि आगे ऐसे मौके बहुत रेयरली आएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि भारत में अगले पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होंगे तो देखिए हमें काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण हमें अगला 2025 में दिखेगा और अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 2034 में दिखेगा, जो कि भारत के एकदम उत्तर इलाकों से गुजरेगा। इस बीच काफी पार्शियल इक्लिप्सेस भी होंगी जो आप देख सकते हैं और उनका मजा ले सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी पृथ्वी से दिखने वाले ग्रहणों के बारे में। लेकिन जाते जाते मैं एक प्रश्न आपके पास छोड़ जाता हूं। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या ग्रहण सिर्फ पृथ्वी से दिखते हैं? दूसरे ग्रहों पे क्या होता है? चांद पे क्या होता है? क्या होता अगर आप एक चंद्र ग्रहण के वक्त चांद पर होते? इस आखिरी सवाल का जवाब मैं आपको एक एनिमेशन के रूप में दूंगा, लेकिन बाकी सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने हैं। ये देखिए, अगर आप चांद पर होते और पृथ्वी की छाया में चांद जा रहा होता तो वहां से आपको एक बड़ा सा सूर्य ग्रहण देखने को मिलता। अब आप आपकी कल्पना शक्ति से सोचिए और भी ऐसे ऐसे सिचुएशंस बनाइए जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। तो क्या आपको मजा आया?
ऐसी आश्चर्यजनक घटनाओं के चित्र देखकर और ऐसी अनोखी जानकारी जानकर मुझे तो बड़ा मजा आता है। और सच में देखे तो खगोलशास्त्रियों को इसी चीज का आनंद मिलता है अपने काम में। मुझे आशा है कि आप भी आपके आसपास की चीजों का निरीक्षण करेंगे और ऐसी जो घटनाएं हैं इनका खुद अध्ययन करेंगे, खुद इनको देखेंगे और अपनी मेमोरी बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके निरीक्षणों से आपको कुछ डिस्कवरीज करने को मिले, लेकिन इसके वजह से आपकी ऑब्जर्वेशन यानी आपके निरीक्षण बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी आदत अभी से डाल लें, आपके आसपास की जो चीजें हैं उसका हमेशा ऑब्जर्वेशन करें, चाहे वो कोई भी चीज हो, धरती पर हो या आसमान में हो। इन पे हमेशा ध्यान रखें और एक्टिविटीज करते रहें। हमारे समर कैंप में काफी एक्टिविटीज आपको बताई जाएंगी, वो आप सब कीजिए। और स्पेशली इस टॉक के बाद जो कि ग्रहणों के बारे में था, हमें आशा है कि आप कोई ना कोई ग्रहण बहुत जल्द ही खुद देखेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।